हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन एएसपी मीन्स अल्का स्टडी पॉइंट स्टूडेंट। आई एम कंप्लीटिंग अ सीरीज ऑफ 5000 क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। स्टूडेंट्स, इट इज द 13th पार्ट ऑफ द सीरीज एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट लॉर्ड जिम मेड फेमस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। लॉर्ड जिम मेड फेमस विच ऑफ द फॉलोइंग आर्थर। ऑप्शन ए किंग्सले एमिस, जोसेफ कॉनराड, रुडियार्ड किपलिंग एंड विल्की कॉलिंस। राइट आंसर इज जोसेफ कॉनराड। जोसेफ कॉनराड इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुक का जो कवर की पिक्चर है यहाँ पे हमने लगा दी है, ये कवर पिक्चर है बुक की, लॉर्ड जिम जोसेफ कॉनराड की। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कॉनराड। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कॉनराड ब्रिंग्स टू द फोर हिज एंटी रशियन फीलिंग। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में है लॉर्ड जिम 19th सेंचुरी, ऑप्शन बी है द सेक्रेट एजेंट 1907, ऑप्शन सी है अंडर वेस्टर्न आईज 1911 और ऑप्शन डी है द हार्ट ऑफ डार्कनेस जो कि 1902 में आई थी। अब ये बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ कॉनराड ब्रिंग्स टू द फोर हिज एंटी रशियन फीलिंग। ऑप्शन ए लॉर्ड जिम, ऑप्शन बी द सेक्रेट एजेंट, ऑप्शन डी अंडर वेस्टर्न आईज एंड ऑप्शन डी हार्ट ऑफ डार्कनेस 1902। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अंडर वेस्टर्न आईज। अंडर वेस्टर्न आईज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट हु इज द नरेटर इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ द डार्कनेस। ये क्वेश्चन है हु इज द नरेटर इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस। नरेटर का नाम बताना है। ऑप्शन ए है मार्लो, ऑप्शन बी है कुर्ट्स, ऑप्शन सी है गैट्सबी ग्रेट गैट्सबी और ऑप्शन डी है निक कैरेवे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मार्लो। मार्लो इज द राइट ऑप्शन। हु इज द नरेटर इन कॉनराड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस? मार्लो। ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रीफेस टू विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ कॉनराड एक्सप्रेसेस हिज थियरी ऑफ द नॉवेल। ऑप्शन ए लॉर्ड जिम, ऑप्शन बी द करेक्ट द सेक्रेट एजेंट, ऑप्शन सी अंडर वेस्टर्न आईज एंड ऑप्शन डी नाइजर ऑफ नार्सिसस। विच ऑप्शन इज राइट? क्वेश्चन इज प्रीफेस टू विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ कॉनराड एक्सप्रेसेस हिज थियरी ऑफ नॉवेल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी नाइजर ऑफ नार्सिसस इज द राइट ऑप्शन। नाइजर ऑफ द नार्सिसस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मिसेस वारेन्स प्रोफेशन 1894 इज अ प्ले बाय। मिसेस वारेन्स प्रोफेशन 1894 इज अ प्ले बाय। ऑप्शन ए डब्ल्यू बी ईट्स, ऑप्शन ए डब्ल्यू बी ईट्स, ऑप्शन बी जी बी शाह, ऑप्शन सी जेराल्ड पिंटर हेराल्ड पिंटर एंड ऑप्शन डी जॉर्ज ऑसबॉर्न। देर इज फोर ऑप्शंस। मिस वारेन्स प्रोफेशन 1894 इज अ प्ले बाय डब्ल्यू बी ईट्स, जी बी शाह, हेराल्ड पिंटर या जॉर्ज ऑसबॉर्न। फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जी बी एस, मीन्स जॉर्ज बर्नार्ड शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शाह हैज़ एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी एज इट्स सब टाइटल। अब ऑप्शन चेक कर लेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शाह हैज़ एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी एज इट्स सब टाइटल। ऑप्शन ए है सेंट जॉन, ऑप्शन बी है पिगमेलियन,
ऑप्शन सी है आर्म्स एंड द मैन, एंड ऑप्शन डी है द एप्पल कार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्म्स एंड द मैन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शॉज इज अ सेटायर ऑन बर्जियोजी डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए द एप्पल कार्ट, ऑप्शन बी मैन एंड द सुपरमैन, ऑप्शन सी पिग्मेलियन एंड ऑप्शन डी आर्म्स एंड द मैन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द एप्पल कार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए द एप्पल कार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शॉ इज अ ट्रेजेडी। ऑप्शन ए हार्ट ब्रेक हाउस, ऑप्शन बी पिग्मेलियन, ऑप्शन सी सेंट जॉन एंड ऑप्शन डी आर्म्स एंड द मैन। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शॉ इज अ ट्रेजेडी। शॉ की कौन सी प्ले ट्रेजेडी है। इन फोर ऑप्शंस में एक ऑप्शन चुनना है, फटाफट इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सेंट जॉन 1923, ये ट्रेजेडी है। सो स्टूडेंट दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू मोटिवेट माई सेल्फ सो दैट आई मे प्रिपेयर सो मेनी क्वेश्चंस सेम लाइक दिस। थैंक यू सो मच।